चलें ठीक है जी, मैं देखती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन कैसे शेयर करनी है। स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग, व्हाई? अच्छा जी, आज हम देख रहे हैं पहला चैप्टर ओवरव्यू है ये। इज दिस शेयरिंग नाउ? यस मैम। सॉरी जी, मैं पता नहीं क्या कर लिया मैंने। आज मैं आप लोगों की ये पहली क्लास ले रही हूँ। मैं ज़रा थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोलूँगी ताकि मुझे ये चीज़ की श्योरिटी हो, मुझे ये श्योरिटी हो कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी। मैं अपने ऑफिस के डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आप लोगों की क्लास ले रही हूँ और चूंकि लैपटॉप पे क्लासेस पढ़ाने की अब आदत हो चुकी है, तो जब हम लैपटॉप पे क्लास ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज हमें खुद ब खुद इंटरनली फील होता है या कन्वे होता है कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली देयर एंड दे अंडरस्टैंडिंग मी एंड वी हैव अ वेल कनेक्टेड रिलेशनशिप ऑन इंटरनेट, ऑन लैपटॉप। लेकिन चूंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो इसके साथ अब इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, तो इसलिए जो है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली, वो वाली फीलिंग जो है वो जरा कम होती है। तो होपफुली होगी आगे आगे। मेरा ख्याल है मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि मैंने मीटिंग अभी लॉक की है। मेरी आपके साथ पहली क्लास है, मैं अभी आप लोगों पे कोई इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकती? इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग यू पीपल आर नॉट गुड और यू पीपल आर नॉट ट्रस्टेड स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट। देयर आर सम ब्लैक शीप्स ऑलवेज देयर, तो वो जो है वो क्लास का माहौल ख़राब करते हैं और वो सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास है, किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं है, तो हम बदतमीजी करें। ये ना उनके अंदर की कोई क्या है, हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा इंसान दोनों होते हैं। किसी में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, किसी में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा होती है उनके अंदर, फिर वो जो बुरा इंसान होता है वो ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाता है और फिर उन्हें शरारतें करने पे, बुरा करने पे, तंग करने पे, दूसरों को इरिटेट करने पे मजबूर करता है। फिर वो उस वाली फीलिंग के हाथों मजबूर होकर तंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी किसी ने यहाँ पर एनोटेट करने की, लिखने की ली जानकर या गलती से या जो भी है। खैर, इसलिए मैंने मीटिंग भी लॉक कर दी है और मैंने आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी फिलहाल लॉक कर दी है। होपफुली इट विल बी अ गुड जर्नी। हम एक क्लास के एनवायरनमेंट में एक अच्छे रिलेशनशिप में साथ चलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तो हम एक अच्छी क्लास जो है वो लेके चलेंगे। और ऐसा भी है कि ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्लास तो पढ़नी है। और आफ्टर दिस मंथ होपफुली योर क्लासेस विल बी फिजिकल, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आर यू पीपल अहमद, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज सब लोगों को ही। ऑब्वियसली फिर तो आ रही होगी जो मैं कह रही हूँ। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना या किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है। इट इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन, ठीक है? आप लोग अब तीसरा सेमेस्टर हो गया है, आप लोग शुरू से ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। आप लोगों के लिए ये वाली बातें, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ न्यू थिंग एक्चुअली। तो ये सब कुछ चलता ही आ रहा है इसके साथ साथ, ठीक है? बजाय इसके कि बाद में कोई टेंशन हो या मैं कहूँ कि क्लास ने ऐसे किया, क्लास ने वैसे किया, व्हाई नॉट आई सेट माय बाउंड्रीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें कुछ इसका इंटरनल्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये इसका हैशटैग के साथ इसका नाम था जो कि विलियम स्टेलिंग्स ने खास तौर पर कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जब उसने कॉन्सेप्ट्स लिखे तो उसने इस चीज को ज्यादा मद्देनजर रखा, इंटरनल्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स। हमने यही दो तीन चीजें देखनी होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम is not the only story about the hardware, about the software, it is just a combination of both hardware and software। हम कभी भी अकेले हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करते हुए या अकेले हार्डवेयर को पढ़ के भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर सकते। और operating system, which is actually a system software, a platform, लेकिन सिर्फ इसको software के तौर पर पढ़ते हुए या platform के तौर पर पढ़ते हुए भी हम ये बात नहीं कह सकते कि it fulfills the requirements of the subject। ठीक है, तो ये understood है कि इसमें हमने दोनों ही चीजों को देखना है साइड बाय साइड। व्हाट्स एक्चुअली द हार्डवेयर व्हिच प्ले द रोल टू वर्क एज विद द सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर व्हिच प्ले द रोल टू कम्युनिकेट टू वर्क विद द हार्डवेयर। तो दोनों should be a strong communication, strong connection, तभी कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या होते हैं हार्डवेयर मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम, जो है ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स। शुरू होते ही यहाँ पर जो स्टोरी चली है दिस इज अबाउट द हार्डवेयर। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है अकेला ही। हम ये कहेंगे कि हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स विद हार्डवेयर। अगर आप इससे भी शुरू से आपको एक थोड़ी सी और स्टोरी की बात कर लें तो हम कहते हैं वी हैव एक्चुअली टू थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, वी हैव टू थिंग्स, वन इज हार्डवेयर, अदर इज सॉफ्टवेयर, एंड दे बोथ वर्क टुगेदर, देन द कंप्यूटर विल वर्क और कंप्यूटर विल रन and solve the problems। तो जब तक वो दोनों काम नहीं करेंगे, then we talk about how or what type of necessary to work with the computer they, and then we divided the softwares into two types, one is system software and one is application software। When we talk about application softwares, these are the personal softwares, Office, like C++, like Java, like Visio वगैरह, इस PDF और ये वो, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को और जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दे आर एक्चुअली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, दे मेड और बाय मेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और हम इनको इस्तेमाल भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दे इंस्टॉल इन आवर कंप्यूटर वी डेली यूज देम, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम ना उनको इस्तेमाल करें, लेकिन जिसकी हमें जरूरत होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल टीच और व्हेन यू विल स्टडी C++, देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन C++ एट दैट time you will not use Java or any other application software, your focus will be on C++, but when we talk about the other type of softwares, they are system software, they are platforms, they are operating systems, and they are utility softwares as well, hum unko keh sakte hain somehow, but इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स में हमने इसको भी 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जो कि हमारे जो वायरस कंट्रोलर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोलते हैं। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हमने जो है वो कंट्रोल या महदूद कर दिया हुआ है, ओनली फॉर द प्लेटफॉर्म्स। Platform is another term for operating system, जो कि उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम ये कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओनली वर्क फॉर द फॉर एज अ सॉफ्टवेयर, बट इट आल्सो वर्क एज अ हेल्पर ऑफ द हार्डवेयर जो कि आपका कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है या जो आपके हार्डवेयर हैं, दे can't work combined with the help of without help of operating system। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होएगा, वो अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा, आपके जो हार्डवेयर्स हैं वो भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे से मुराद वो एज अ मशीन, एज अ सिंगल यूनिट मशीन रिस्पांस ही नहीं दे सकते। तो उनको सिंगल यूनिट मशीन के रिस्पांस के लिए दिस इज नेसेसरी, दिस इज मैंडेटरी, you have to install a platform in your computer, in your machine। सो इसलिए हम फिर जब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो फिर हार्डवेयर भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर। फिर जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, देन वी divided the hardwares into two categories, two types, internal hardwares and external hardwares। when we talk about external, जो ज़रा easy होता है और जिसको हमने left out कर देना होता है, उसको हम पहले discuss कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको application software का पहले जिक्र कर दिया था, क्योंकि हमें उसकी इस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह हमें system softwares की ज़रूरत है, क्योंकि system software तो actually हम पढ़ने जा रहे हैं, तो this is the important one for us right now। and the external software, hardwares are also not very important for us right now, like mouse, keyboard and printers, scanners, cameras, etc। these all are external hardwares। when we talk about internal hardwares, these are actually इनसाइड द कंप्यूटर बॉक्स, जो कि आपके पास CPU, जिसको आप आम जुबान में बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या वो जो एक बॉक्स है पूरा, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो आप शायद बचपन में भी सुनते होंगे या छोटी क्लासों में भी सुनते होंगे वगैरह वगैरह। तो जो उस बॉक्स के अंदर आपके पास हार्डवेयर्स हैं, जैसा कि इनपुट आउटपुट जो आपका मॉड्यूल है, IO मॉड्यूल है, फिर आपके पास बसेस हैं, फिर आपके पास रजिस्टर्स हैं, मेमोरी की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सब, दीज ऑल आर द इंटरनल हार्डवेयर्स व्हिच प्लेज द मेजर रोल टू वर्क विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो इंटरनल हार्डवेयर्स हैं, और फिर सॉरी, वन आई फॉरगेट टू डिस्कस, प्रोसेसर, जो कि जिस जहां से ये बात चली थी, जिसमें उसने कहा रिसोर्सेज ऑफ 1 or more प्रोसेसर्स, के जो आपके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक्सप्लॉइट्स द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ 1 or more प्रोसेसर्स। तो किसी भी एक कंप्यूटर में 2 या 1, 2, 3, 4 जितने भी इन मॉडर्न एजेस जितने भी प्रोसेसर्स जो हैं वो आप को चाहिए हो, या आपके कंप्यूटर की, आपके हार्डवेयर की डिमांड हो, आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि एक छोटे कमरे में एक दरवाजा लगा हुआ होता है, एक खिड़की लगी हुई होती है। अगर आप 8 by 10 का कमरा बनाते हैं, 10 by 10 का बनाते हैं, तो भी आप एक दरवाजा 2 खिड़कियां लगा लेते हैं। अगर आप 15 by 15 का बनाते हैं, 15 by 12 फिट में बोल रही हूँ, बनाते हैं, जैसे जैसे आपका कमरा बड़ा होता जाता है, आपको ज्यादा दरवाजों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा खिड़कियों की, ताकि उनका एक्सेस जो है वो आसान हो। आप यहाँ पर आए, आपको छोटे कमरों में, क्लासरूम्स में एक दरवाजा मिलेगा, जैसे वो बड़ा हो जाता है कमरा, उसके एक फ्रंट पे दरवाजा लगा होता है, एक बैक पे लगा होता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। एक दरवाजे से निकलेंगे, रश पड़ेगा, ज्यादा देर तक जो है वो स्टूडेंट निकलते रहेंगे जाते रहेंगे, अगली क्लास का टाइम वेस्ट होएगा। इसी तरह छोटा कमरा है तो विंडो जो है वो एक से भी फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि जितनी एयर आएगी उतनी थोड़ी जगह है उसको फ्रेश एयर को जो है वो इवॉल्व होने के लिए। लेकिन जैसे ही कमरा बड़ा हो जाएगा ज्यादा खिड़कियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो एक विंडो है उसमें से थोड़ी हवा आएगी और आगे जगह ज्यादा है, कमरे की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये इट्स एक्चुअली नीड के जी रिक्वायरमेंट कब आपकी बढ़ेगी, जब आपकी नीड बढ़ेगी। फिर इसी तरह अगर आप लैब्स की बात करें, कंप्यूटर लैब्स की बड़ी होती है, वहां पर दो दरवाजे लगे हुए क्योंकि वहां पर कैपेसिटी ज्यादा थी, स्टूडेंट्स ने ज्यादा नहीं आना था और हर वक्त आना था, बार बार आना है। उसको दरवाजे, एक दरवाजे को आप एग्जिट बना लेते हैं, एक को आपको इन कर लेते हैं, ताकि जो है वो, और ये क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रही है। क्यों इस तरह हो रहा है? ताकि जो रश है, जो यो वो जंगल सा बनता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो ना बने और आप में उनका जो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। चेयर्स तोड़ते हैं, गंद डालते हैं, फलांगते हैं टेबल्स को, और फिर जाके जो है वो पहले निकलने की कोशिश करते हैं, और जब अंदर आना है तो पहले आने की कोशिश करते हैं, टू गेट अ बेस्ट चेयर, टू गेट अ फ्रंट चेयर वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो है वो होती हैं। यही चीज जो आपका बॉक्स है, जो आपका CPU है, उसके अंदर फिर स्टोरी है कि जितना आपका हार्डवेयर अच्छा होगा उतना ही ज्यादा, इट मींस उसमें जितने ज्यादा आप प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, फिर आप उतने ही जो है वो प्रोसेसर्स जो है वो बढ़ा लेते हैं। शुरू में पहले जब कंप्यूटर नया नया आया तो देयर वाज ओनली अ सिंगल प्रोसेसर, और ऐसी कोई स्टोरी थी भी नहीं कि जी एक प्रोसेसर के साथ काम नहीं होता तो क्या हम दो प्रोसेसर भी कर लें या ज्यादा भी कर लें। तो लेकिन चूंकि आगे से आगे फिर काम होता जाता है और इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, फिर उस तरह आगे से आगे जो है वो स्टोरी बनती गई और यूज नीड के अकॉर्डिंगली ज्यादा चीजें जो बनती गई। फिर एक प्रोसेसर था, उन प्रोसेस एक को दो किया गया, दो को तीन किया गया, 4, 6, 8 इस तरह जो है वो करके बढ़ाया गया। जैसे अब हम अपने घरों में बिल्डिंग्स बनाते हैं, पहले सिंगल स्टोरी का रिवाज था, लोग थोड़े थे, इकट्ठे रहते थे मिलजुल के या जैसे भी जो है वो थे। फिर जगह थोड़ी हो गई, फैमिलीज बड़ी हो गई, तो वो डबल स्टोरी का रिवाज बना, उसी जगह को उसी घर को डबल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर भी यही है, प्रोसेसर के साथ एक और प्रोसेसर लगा दिया गया, फिर जी उस प्रोसेसर के साथ उन दो प्रोसेसर्स के साथ दो और प्रोसेसर लगा दिए गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो मकान इकट्ठे खड़े किए हुए हों, डबल स्टोरी। तो पहले वो सिंगल स्टोरी होते थे, अब वो डबल स्टोरी हो गए। पहले उनमें अगर 10 बंदों के रहने की गुंजाइश थी, अब उनमें जो है वो 20 बंदों के रहने की गुंजाइश हो गई। तो जिससे पहले एक प्रोसेसर से आप एक जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करते थे, फिर आप दो प्रोसेसर्स के साथ 4 या 6 या 5 या 7 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने लगे, 1 बाय 1। फिर जब 4 प्रोसेसर्स आ गए तो आपको वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई चीजें। पहले एक के हिस्से में 4 आते थे, अब फिर वो 4 into 4 हो गया, तो वो 16 प्रोसेसेस जो हैं वो होना शुरू हो गए। दिस इज अ रफ फॉर द रूटीन एक्सपेरिमेंट, या जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे होता है। तो बाकी जो चीजें हैं वो प्रोसेसिंग की, हाउ फास्ट दे विल वर्क जो प्रोसेसर है, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी और द टाइप ऑफ द प्रोसेसर, कि आपने कितनी हाई कैपेसिटी का और कितना अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। इनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट नाम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, हम प्रोग्राम्स कहते हैं, हम प्रोसेसेस कहते हैं, और भी कोई 1-2 टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। इन सब का मतलब है, फिर हम आम जुबान में इनपुट भी बोलते हैं कि हम क्या इनपुट देंगे। वो जो इनपुट होता है उसी का डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट नाम बनते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसर ने उनको प्रोसेस करना होता है, इसलिए उनको फिर हम प्रोसेसेस का नाम दे देते हैं। क्योंकि वो हमारा इनपुट होता है, उसने एग्जीक्यूट होना होता है, तो हम कह देते हैं कि क्या प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन में क्या है, कौन सा इनपुट जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो वो, और फिर हम प्रॉब्लम्स को जब लिखते हैं तो हम उनको प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के मीनिंग्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ सर्विसेज टू सिस्टम यूजर्स, तो दूसरा क्या है, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है, कि जैसे मैंने कहा कि विदाउट सॉफ्टवेयर और विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम योर हार्डवेयर इज नथिंग। आप खरीद के रख लें जितनी मर्जी महंगी डिवाइस जो है, जितना मर्जी महंगा सिस्टम आप खरीद के रख लें, जब तक अगर आपको नहीं भी चलाने आता, आप एक बंदा हायर कर लेंगे, वो चला लेगा, पर उसके अंदर कुछ हो तो सही। जब तक उसके अंदर ही कुछ नहीं है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला हुआ आपने, वो सिस्टम मशीन ही नहीं काम कर रही, तो हाउ यू विल डू। आपने पंखा लगा लिया, आपके घर में बिजली नहीं है, आप चला नहीं सकते, तो बिजली आएगी तो पंखा चलेगा। बिजली आ गई है, आपने उसकी वायरिंग नहीं कराई, स्विच बोर्ड नहीं लगाया, आप नहीं चला सकते। ठीक है, ये चीजें जो हैं ये मैंडेटरी हैं, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए जो सेट ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे कि सेट ऑफ सर्विसेज क्या है, आप इनपुट देंगे तो वो इनपुट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि वो इनपुट है, वो उसे पहचानता है। हार्डवेयर के अंदर से तो उसने ट्रेवल करना है, सफर करना है, हार्डवेयर ने उसे एक हार्डवेयर दूसरे तीसरे में, और वो, लेकिन वो जो ट्रेवल हो रहा है वो किसकी बेस पे हो रहा है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। एक इंस्ट्रक्शन को एक डिवाइस से दूसरी में, तीसरी में, चौथी में घुमाता वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। जब तक वो नहीं है तब तक वो नहीं, खुद से वो नहीं घूमेगी। तो वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैनेजेस सेकेंडरी मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, तो दो चीजें जो हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है वो चलता है हर वक्त, जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो आपके बॉक्स पे लगा हुआ है, सीपीयू पे लगा हुआ है, उस यूनिट के ऊपर तमाम इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो अपना रिस्पॉन्स छोड़ती हैं। उस रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड कौन करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि जी इनपुट आया है, इसको उठा के तो अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाना है। अब एग्जीक्यूशन हो गई है तो इसको आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजना है ताकि यूजर को उसका आउटपुट मिल जाए। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, दोनों को ही वो हैंडल आउट करता है, जो आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक वी आर ओनली ऑन सेकेंड डिवाइस, सेकेंड क्या ये है जो आपकी सामने नजर आ रही है भाई, क्या है ये, स्लाइड वही स्लाइड कह रही हूँ। अटेंडेंस मार्क करें जी, मेरे पास टाइम कम रह गया है, 10 मिनट्स हैं। अब मैंने इतनी लंबी डिबेट कर दी। मेरी कोशिश होती है कि जो इंट्रोडक्टरी और पहली क्लास होती है वो कुछ इस तरह दी जाए कि बच्चे का जो कथार्सिस है ना वो हो जाए, और उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो किसी को बताने जोगा हो, और उसे अपने आप को ये समझ आ जाए कि मैंने क्या पढ़ना है या मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ और इसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके बाद से इंशाल्लाह फिर अब फ्लो बनता रहेगा। बेसिक एलिमेंट्स आमतौर पर हमारे पास क्या होते हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट हार्डवेयर, हमने पीछे बात की ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, तो किस किस तरह वो सपोर्ट करता है। हमने कहा कि वो हार्डवेयर को सपोर्ट, हमें प्रोसेसर्स के लिए भी उसकी जरूरत होती है, हमें सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, फिर हमें सेकेंडरी मेमोरी और आईओ डिवाइसेस वगैरह को भी मैनेज करने में वो हेल्प आउट करता है। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोल रहे हैं। मेरे सामने मेरी चाय रखी पड़ी है, मेरे पियर ने मुझे अभी ला के दी है, मेरे सामने मेरे चिप्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ और बहुत सब्र के साथ पढ़ा रही हूँ। मेन मेमोरी में क्या चीजें होती हैं, वोलेटाइल होती है, इट्स रेफर्ड टू एज अ रियल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जो कि आपकी रैम होती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। आपका जो इनपुट होता है वो जैसे ही जो है वो सबसे पहले आईओ डिवाइसेस के बाद इनपुट आप देते हैं ना, तो वो इनपुट डिवाइस की है। जैसे कि इनपुट क्या है, आपका कीबोर्ड है, आप उसकी हेल्प से इनपुट दे रहे हैं। तो जो आपका आईओ मॉड्यूल है, ये जो बॉक्स है आईओ, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को कैप्चर करके जो आपकी मेन मेमोरी को देता है। और क्योंकि मेमोरी आपकी इंस्ट्रक्शन को कोई ना कोई स्पेस चाहिए होती है कि वो कंप्यूटर में जाके कहाँ पर जगह लेगी, तो जो जगह उसको प्रोवाइड की जाती है, मेमोरी दी जाती है, इट इज इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में सबसे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शन जाती है, और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो आप एज अ इनपुट दे रहे हैं वो वन बाय वन जाके मेन मेमोरी में जा रही हैं। और मेन मेमोरी में ऐसे नहीं जा रहे हैं कि जहाँ उनका दिल कर रहा है, उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि उनको किस तरह वो जो मेमोरी होती है वो कैसे उनको दी जाती है। और फिर वहां से जो आपका प्रोसेसर है वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को उठा के एग्जीक्यूट करता है। बेसिक एलिमेंट्स क्या है आगे इसके, हमने कहा बेसिक मेन मेमोरी है। फिर दूसरी बात है आईओ मॉड्यूल्स, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपकी फ्लैश ड्राइव वगैरह हो गई, आपकी सीडी डिवाइस हो गई, डीवीडी डिवाइस वगैरह हो गई, जिस जो कि आपके परमानेंट आपके डेटा को करती हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गए हैं, जो जैसे कि आपकी जो हैंड फ्रीज वगैरह हो गई हैं, आपका हेडफोन है, आपके कैमरा वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं। फिर टर्मिनल्स होते हैं आपके, जो भी आपने डिवाइसेस वगैरह लगाई हुई होती हैं वो सारी आपके, या आपने कोई और कंप्यूटर साथ अटैच अगर किए हुए हों। फिर दूसरी चीज आती है तीसरी सिस्टम बस। सिस्टम बस वो है जो बाकी सब चीजों को आपस में कम्युनिकेशन कराती है। जैसे कि आपके पास ये सड़कें बनी हुई हैं आपके शहर में, आपको दूसरे शहरों में जाने के लिए मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, GT रोड्स इस्तेमाल करते हैं आप। इसी तरह सिस्टम बस होती है। कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी एंड आईओ मॉड्यूल्स। तो ये जो तीनों इंटरनल हार्डवेयर्स हैं, देखें ये अपनी जगह पे हार्डवेयर है। प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, मेन मेमोरी एक हार्डवेयर है, आईओ मॉड्यूल हार्डवेयर है। ये सब आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? सिस्टम बस के जरिए। आपने बाहर वाले जो हार्डवेयर होता है उनको जोड़ा होता है तारों के जरिए। जैसे कि आपने सिस्टम में से एक केबल निकाल के CPU की केबल जो है वो LCD को लगाई होती है, तो आपको स्क्रीन नजर आती है। आपने माउस की तार सिस्टम में लगाई होती है, आपका माउस कनेक्ट होता है। आपने कीबोर्ड की तार सिस्टम में लगाई है, कीबोर्ड कनेक्ट है। आप फिर अगर आपने प्रिंटर चलाना है, आपने प्रिंटर की केबल सिस्टम में लगा देनी है, वो कनेक्ट हो गया है। जो भी आपने चलाना है आपने सिस्टम में केबल लगाई जानी है। वो जो आईओ का वहां पर पीछे यूनिट बना हुआ है, इनपुट आउटपुट यूनिट, जहां पे आप केबल्स लगाते हैं, तो वहां पर वो कम्युनिकेशन होती है। अब जो ये आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर थे जिनको आपने फिजिकल वायर्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो जो आपके इंटरनल हार्डवेयर हैं उनको भी तो आपने जोड़ना है ना, तो वहां पर सिस्टम बस जो है वो काम करती है। वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है कि वो हर एक के साथ कनेक्टेड है, तमाम इंटरनल हार्डवेयर के साथ। और जब तक वो डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, कम्युनिकेशन नहीं करवाएगी, जो वो अपने आप नहीं करेंगे। जिस भी इंटरनल हार्डवेयर को सिस्टम बस की जरूरत होगी वो उसको सिग्नल सेंड करेगा, तो वो आपके पास आ जाएगी। आने से मुराद ये है कि वो कदमों में चल के नहीं आएगी, उसका कंट्रोल उस इंटरनल हार्डवेयर के पास आ जाएगा। और फिर वो डेटा को जो उसका काम है, जैसे प्रोसेसर का काम क्या है, उसने प्रोसेसिंग करनी है, तो उसने डेटा मेन मेमोरी से फेच करना है, उठा के लानी है इंस्ट्रक्शन, सिस्टम बस के जरिए वो इंस्ट्रक्शन उठा के लाएगा। मेन मेमोरी ने एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन उठा के लानी है, तो वो बस के जरिए उठा के लाएगी। आईओ मॉड्यूल से डेटा ट्रांसफर होना है, आईओ इनपुट यूनिट से मेन मेमोरी में जाना है, फिर मेन मेमोरी से वापस आउटपुट यूनिट पे आना है, तो वो सिस्टम बस के जरिए आना है। सिस्टम बस अगर खराब है या काम नहीं कर रही तो भी आप कोई काम नहीं कर सकते। हैव यू पीपल मार्क योर अटेंडेंस? I have 26 students in my class today. Do you people have only 26 students? कितने बच्चे हैं क्लास में आपके? अहमद बोले या आयजा बोले। मैम I think 48 हैं शायद। 48 हैं। दो ग्रुप, दो आपके हैं ना सेक्शन? जी मैम, एक से हमारे सेक्शन के 48 हैं। ओवरऑल एक सेक्शन को कौन पढ़ा रहा है? इस सेक्शन को मैम अभी टीचर फाइनल नहीं हुआ उनका, कोई और टीचर पढ़ा रहा है जी मैम। अच्छा, तो यहाँ पर अगर 48 बच्चे हैं, वाई वी हैव ओनली 28? मैम इसका तो आप नहीं पता, सोए पड़े हैं, हो सकता है मैम सोए पड़े हैं ना। कंप्यूटर कंपोनेंट्स इसमें आमतौर पर कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल व्यू जो है वो हमारे पास। अच्छा जी, मैं अभी ये शुरू नहीं कर रही, आई एम ओनली 1 मिनट लेफ्ट, और मैं अगली क्लास नहीं शुरू करूंगी क्योंकि मैं इस तरह ही लेके चलती हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास किस दिन है? कल को ही 9:40 पे है। ठीक है, ओके जी, ओके मैम, ओके जी, अल्लाह हाफिज।